हेलो स्टूडेंट्स, दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कौन से सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं और कौन से प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। लेट्स गो अहेड नाउ। सो नेक्स्ट पेज इज, उसमें वही बात है जो मैंने आपको अभी बताई है। व्हाइल वी से आई डांस, वी डांस, यू डांस एंड दे डांस, तो इसमें देखिए मैंने जो आपको बताया था, आई, वी, यू और दे, उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म यूज़ की है इन्होंने। तो आई के बाद इसे डांस, यू, वी के बाद डांस, यू के बाद डांस और दे के बाद डांस। तो इन सभी का मतलब यही है, मैं नाचता हूँ, हम नाचते हैं, तुम नाचते हो, वे नाचते हैं। तो इसकी हिंदी जो है ये है, वी से ही डांसिस, लेकिन जब सब्जेक्ट ही होगा तो हम डांसिस कर देंगे, शी डांसिस और रिया डांसिस। रिया यानी सिंगुलर। तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उनके बाद वर्ब की बेस फॉर्म के बाद SIS लगेगा। अच्छी तरह से आपको नोटिस कर लेनी है ये बात। ओके, नेक्स्ट। नाउ द वर्ड ही, शी एंड इट आर प्रोनाउंस इन द थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो ये जो वर्ड बताए हैं, ही, शी, इट, ये प्रोनाउंस हैं यानी नाउन की जगह यूज होते हैं और ये सिंगुलर हैं नेचर में। मोस्ट वर्ब्स एड एन एस और एन ई एस व्हेन यूज्ड इन द प्रेजेंट टेंस विद द थर्ड पर्सन सिंगुलर और विद ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो यहाँ पे वही मतलब बताया गया है कि जो ज़्यादातर वर्ब्स हैं उनके बाद एस या ई एस उनकी स्पेलिंग के हिसाब से लग जाता है जब सब्जेक्ट होता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है या कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन होती है। यानी सीधी सी बात है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो SIS लग जाएगा। आगे इसमें और एग्जांपल दिए गए हैं। फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन आपको पता होगा प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, यानी जो पहला पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है वो आई वी है, सेकंड होता है यू और थर्ड पर्सन होता है आई और यू को छोड़ करके जो भी बच गए, यानी वह, वे, राम, सीता, गीता, किसी का भी नाम हो। तो मेरे और तुम्हारे अलावा और जो भी है वो थर्ड पर्सन है। ये इसका याद रखने का एक सिंपल सा रूल है कि मेरे और तुम्हारे अलावा जो भी है वो थर्ड पर्सन है। तो आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन और इनको छोड़कर के बाकी जो भी प्रोनाउंस हुए या नाम हुए तो वो सारे थर्ड पर्सन। तो इसी टेंस में यही रूल है कि फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ बेस फॉर्म का यूज होता है, थर्ड पर्सन जो है और वो सिंगुलर है तो वर्ब के बाद SIS लग जाएगी, और थर्ड पर्सन अगर प्लूरल है तो भी बेस फॉर्म का यूज होगा। जैसे ये एग्जांपल देखते हैं, फर्स्ट पर्सन, ये आई लुक, आई डू, मैं देखता हूँ, मैं करता हूँ। तो प्लूरल में भी वी लुक, वी डू, मैं देखता, हम देखते हैं और हम करते हैं। तो सेकंड पर्सन अगर यू का यूज होगा तो भी बेस फॉर्म ही लगेगी, यू लुक, यू डू, तो इसमें बेस फॉर्म लगी है लुक और डू। तो यू अगर प्लूरल के लिए भी यू ही यूज होता है, अगर तुम हम किसी एक व्यक्ति के लिए बोल रहे हैं तो भी यू होता है, अगर तुम हम बहुत सारे लोगों के लिए बोल रहे हैं तो भी यू होता है। तो दोनों में रूल वही है, बेस फॉर्म ही लगेगी, यू लुक, यू डू। और इसी तरह से जो थर्ड पर्सन का एग्जांपल दिया है तो थर्ड पर्सन में रूल चेंज हो जाता है, थर्ड पर्सन में सिंगुलर है तो वर्ब की वर्ब SIS लगेगा। जैसे ही लुक्स, शी लुक्स, इट लुक्स, ही डज, शी डज और इट डज, और प्लूरल में नहीं लगेगा, दे लुक और दे डू। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो लेट्स गो अहेड। द वर्ब बी हाउएवर हैज़ डिफरेंट फॉर्म्स इन द सिंपल प्रेजेंट। तो ये जो बी जो फॉर्म है ये कुछ अलग ही नेचर की होती है अंग्रेजी में। ये जो बी जो फॉर्म है मोस्ट इररेगुलर फॉर्म भी कहते हैं। तो बी का मतलब होता है होना। तो ये जैसे मैं बी लिख रहा हूँ यहाँ, तो बी जो फॉर्म है उसका मतलब होने से होता है। तो इसके प्रेजेंट टेंस में यानी वर्तमान काल में इसके तीन रूप होते हैं, एम, आर और इज, ये तीन रूप होते हैं वर्तमान में होने के लिए। जैसे आई के बाद हमने क्या यूज़ किया है, एम का यूज़ किया है, वी के बाद हमने क्या यूज़ किया है, आर का यूज़ किया है, ये सब बी की फॉर्म है। सेकंड पर्सन यू के बाद क्या यूज़ किया है, आर, प्लूरल में भी यू के साथ आर, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है उसके बाद हम इज़ यूज़ करते हैं, ही इज, शी इज, इट इज़। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो बी फॉर्म है इसके प्रेजेंट में तीन रूप हैं, एम, आर, इज, जो सब्जेक्ट के हिसाब से यूज होते हैं। एम हमेशा आई के साथ लगता है, आर प्लूरल के साथ लगता है, यू के साथ आर लगता है और प्लूरल, यानी
यानी बहुत ज़्यादा जने होते हैं, ज़्यादा होंगे सब्जेक्ट में, तो आर यूज होगा। जैसे डॉग्स आर, कैट्स आर, मैन आर, इस तरह से बॉयज़ आर, ऐसे यूज होगा। और इज सिंगुलर के साथ यूज होगा, अगर ए बॉय है उसके बाद इज आएगा, ही आएगा तो इज आएगा। और कोई भी एक चीज़ है जैसे ए चेयर इज़, ए चेयर के बाद इज लगाएंगे, लेकिन चेयर्स हो गया तो आर का यूज होगा। याद रखना है कि इनकी जो बेस फॉर्म है वो बी है, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये एम आर और इज यूज होते हैं सिर्फ प्रेजेंट टेंस में। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं अपने। टू फॉर्म द नेगेटिव ऑफ द वर्ब बी एंड नॉट आफ्टर द वर्ब वी से, अगर अपने नेगेटिव बनाना हो, जैसे आई एम नॉट हंग्री, इसमें नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें नहीं का यूज होता है, तो हम सीधा सीधा नॉट लगा देते हैं आगे, और कुछ नहीं करना होता हमें, एम आर या इज है उसके बाद हमें नॉट लगा देंगे। जैसे आई एम नॉट हंग्री, मैं भूखा नहीं हूँ। यू आर नॉट ए टीचर, तुम एक टीचर नहीं हो। शी इज़ नॉट ए सिंगर, वो एक सिंगर नहीं है। नेक्स्ट रूल है, फॉर मोस्ट अदर वर्ब्स टू फॉर्म द नेगेटिव वी यूज डू नॉट और डज नॉट बिफोर द बेस फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। अब जब हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव बोलना होता है, नहीं बोलना होता है, नहीं का यूज़ करना होता है, तो सीधा नॉट नहीं लगता है, वर्ब की फॉर्म के बाद पहले डू नॉट या डज नॉट का यूज होता है। अब वही बात है कि डू नॉट और डज नॉट का यूज़ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। जो प्लूरल सब्जेक्ट्स थे हमारे आई वी दे यू, उनके बाद हम डू नॉट का यूज़ करते हैं, और थर्ड पर्सन प्लूरल हो उनके बाद भी डू नॉट का यूज़ करेंगे। जैसे आई डू नॉट, वी डू नॉट, दे डू नॉट, यू डू नॉट। और अगर डज का यूज़ करना है तो हम सिंगुलर के साथ करेंगे, ही डज नॉट, शी डज नॉट, इट डज नॉट, राम डज नॉट, सीता डज नॉट। ओके, इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है। शी डज नॉट सिंग, वो नहीं गाती है, तो इसमें शी के बाद हमने डज का यूज़ किया है। दे डू नॉट राइट वेल, वे अच्छे से नहीं लिखते हैं, तो ये हमें याद रखना है। आपको इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। हम जब इंग्लिश बोलते हैं तो हम पहले सोचते नहीं हैं कि वर्ब सिंगुलर है, सॉरी सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके बाद में डू लगाऊं या डज लगाऊं, ऐसे तो बोल नहीं पाएंगे। हमें प्रैक्टिस करनी होती है इस चीज़ की, तो हमें इस तरह से अपने मन ही मन बार बार दोहराना चाहिए कि आई डू, वी डू, दे डू, यू डू, और ही डज, शी डज, राम डज, गीता डज। तो इस तरह से हमारे दिमाग में, हमारी ज़ुबान पर ये बैठ जाना चाहिए कि आई के बाद हमेशा डू ही होगा, डज कभी नहीं निकलना चाहिए मुँह से। और कभी भी आई के बाद डज लगे तो हमें अटपटा लगना चाहिए कि ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, तो तब जाके हम स्पोकन इंग्लिश में आगे कुछ कर पाएंगे। रूल के भरोसे नहीं रहना होता हर बार, हमें कुछ चीज़ें हैबिचुअल होना पड़ता है कुछ चीज़ों के लिए। ओके, चलते हैं आगे। वी ऑफन कॉन्ट्रैक्ट और शॉर्टन नेगेटिव टर्म्स इन दिस मैनर, तो कभी कभी हम जो ये नॉट का यूज है इसको हम शॉर्ट में भी लिख देते हैं। जैसे आर नॉट को हमने क्या लिख दिया, आरंट, इसको हम आरंट बोल देते हैं। डू नॉट को हमने लिख दिया डोंट, इस नॉट को हमने लिख दिया इजंट, और डज नॉट को डजंट, तो इनकी प्रोनाउंसिएशन भी चेंज हो जाती है। हाउ आर क्वेश्चंस फॉर्म्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन कैसे हम पूछेंगे। जैसे हमें बोलना हो कि क्या मैं प्यासा हूँ, अब आप देखिए यही उदाहरण दिया हुआ है, आई एम थर्स्टी, आई एम थर्स्टी का मतलब है मैं प्यासा हूँ। लेकिन ये बोलना हो कि क्या मैं प्यासा हूँ, तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो सेंटेंस के एकदम शुरू में आ जाएगी। जैसे इसमें जो बी वाली फॉर्म है उनका एग्जांपल दिया हुआ है, तो बी वाली फॉर्म थोड़ी सी एक्सेप्शनल है, उनके रूल अलग हैं, तो उसमें डू या डज नॉट का यूज़ नहीं होगा, उसमें सीधी सीधी वो फॉर्म आगे आ जाती है। जैसे एम आई थर्स्टी, क्या मैं प्यासा हूँ। यू आर ए डांसर, इसका मतलब है कि तुम एक डांसर हो। अब ये पूछना हो क्या तुम एक डांसर हो, तो आर पहले आ जाएगी, आर यू ए डांसर। सुनील इज़ टैलेंटेड, इसका मतलब कि सुनील टैलेंटेड है। लेकिन क्वेश्चन पूछना हो कि क्या सुनील टैलेंटेड है, इसका मतलब हो जाएगा इज सुनील टैलेंटेड, क्या सुनील टैलेंटेड है। तो बी वाली जो फॉर्म है वो सीधी की सीधी सब्जेक्ट के पहले आ जाएंगी और क्वेश्चन बना लेंगी, और बाकी जो दूसरी फॉर्म्स हैं उनके लिए क्वेश्चन बनाते समय हम डू और डज का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, चलो आगे देखते हैं। फॉर मोस्ट अदर वर्ब्स वी फॉर्म द इंटरोगेटिव by using do or does at the beginning of the question and the main verb takes on its base form. बाकी जो हैं verb की forms हैं be को छोड़ करके, उनके लिए हम do और does का use करते हैं interrogative के लिए, verb की form जो है वो base form ही रहती है।
डू और डज लगाने के बाद वर्ब की बेस फॉर्म ही यूज होती है, नेगेटिव हो या क्वेश्चन हो. ओके, जैसे आई डांस. आई डांस का हमने क्या बना दिया, डू आई डांस. अब आई के साथ तो डू ही लगता है, हम पीछे पढ़ आए हैं, भले ही वो नेगेटिव हो या क्वेश्चन हो डू ही लगेगा. आई वी द यू के साथ डू लगेगा. ओके, शी लाफ्स लाउडली. अब हमने ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, शी लाफ्स लाउडली, कि वो बहुत जोर से हंसती है, तो इसका जो क्वेश्चन बनेगा वो शी के साथ हम डज का यूज़ करेंगे, ना कि डू का, क्योंकि हमें पता है ही शी इट और सिंगुलर के साथ हम डज का यूज़ करते हैं. तो इसका क्वेश्चन बन जाएगा डज शी लाफ लाउडली. हिंदी इसकी ये होगी कि क्या वो जोर से हंसती है. तो ये जो डू और डज हैं इनको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, इनको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, और ये सिर्फ यहाँ पे सेंटेंस बनाने के काम आ रही है, यहाँ पे इनका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, मेन वर्ब के रूप में यूज़ नहीं हो रही हैं ये. तो जब भी कोई भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो वो क्वेश्चन बन जाता है, और क्वेश्चन भी कौन सा बनता है, यस और नो टाइप का, यस या नो टाइप का, क्योंकि उसका आंसर हमेशा यस या नो में आता है. जैसे पहला सेंटेंस था ये डू आई डांस, क्या मैं नाचता हूँ, यस और नो. तो दूसरा सेंटेंस है डज शी लाफ लाउडली, क्या वो जोर से हंसती है, यस और नो. तो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले जो क्वेश्चन होते हैं यस नो टाइप के होते हैं. ओके, लेट्स गो अहेड नाउ. इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हमें, पॉजिटिव, तारा गोज टू प्ले, तारा गोज टू प्ले, तारा खेलने जाती है. ओके, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें हमने गोज का यूज़ किया है. आपको पता होगा गोज क्यों लगाया है, क्योंकि तारा किसी लड़की का नाम है और लड़की सिंगुलर है, इसलिए गोज लिखा है. अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो तारा क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम डज नॉट का यूज़ करेंगे, तारा डज नॉट गो टू स्कूल. जब डज नॉट यूज़ कर दिया तो उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म यूज होती है. उसके बाद इंटरोगेटिव हम यूज़ करते हैं. इंटरोगेटिव में डज से शुरू हो जाएगा सेंटेंस, डज तारा गो टू प्ले. ओके, डज तारा गो टू प्ले, तो सेम वही रूल है. तो इसी तरह से बाकी जो हैं एग्जाम्पल्स, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लीजिए, उसके बाद आप इसको स्टडी कर लीजिए. नेक्स्ट मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए. शी बेक्स एक्सीलेंट केक्स, वो अच्छे केक बनाती है, बेक का मतलब पकाती है. शी डज नॉट बेक एक्सीलेंट केक्स, तो यहाँ पे हम डज नॉट का यूज़ किया, और डज नॉट के बाद बेक का जो बेस फॉर्म है वही यूज़ होगा, फिर बेक्स यूज़ नहीं करेंगे. उसके बाद क्वेश्चन बनाना हो तो डज से शुरू हो जाएगा, डज शी बेक एक्सीलेंट केक्स. जो दूसरा सेंटेंस दिया हुआ है, डजंट शी बेक एक्सीलेंट केक्स, इनको बोलते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्न भी है और नेगेटिव भी है कि क्या वो अच्छे केक नहीं बनाती है, तो इसमें डजंट से स्टार्ट हो जाएगा सेंटेंस. ओके, चलो आगे चलते हैं. अब हम करते हैं इस प्रेजेंट टेंस के यूजेस. अभी तक जो हमने पढ़ लिया था कि प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वर्ब की फॉर्म कैसे यूज होती है, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज कैसे हो जाती है, किस तरह से नेगेटिव बनते हैं, किस तरह से इंटरोगेटिव बनते हैं. लेकिन जो मुख्य चीज़ है जो टेंस की, हमें पता होनी चाहिए कि उस टेंस का बोलचाल में हम यूज़ किन किन वाक्यों को बनाने के लिए करते हैं, कौन सी परिस्थितियों को दर्शाने के लिए इस टेंस का यूज़ होता है. तो इसमें देखिए यूज़ बताया है, सबसे पहला टू टॉक ऑफ एन एक्शन, ये है टू टॉक ऑफ एन एक्शन दैट इज़ ए हैबिट और रूटीन. यानी को हमारी कोई भी हैबिट हो या किसी की भी हैबिट हो या कोई रूटीन का काम हो, वो बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं. जैसे साहिल वेक्स अप एट 6 AM, तो ये जो सेंटेंस है साहिल वेक्स अप, हमने इसमें वेक बेस फॉर्म थी, वेक्स कर दिया क्योंकि साहिल सिंगुलर है. वेक्स अप एट 6 AM, साहिल 6 बजे उठता है, यानी उसकी रूटीन है, उसकी हैबिट है, वो एक दिन नहीं उठा 6 बजे, वो रोज़ उठता है. तो ऐसे कोई भी काम जो हैबिट हो, रूटीन हो, उसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे. द बस अराइव्स ऑन टाइम एवरी मॉर्निंग, बस हर सुबह समय पर आती है, तो ये भी एक रूटीन का काम है. दूसरा हम यूज़ देखते हैं टू मेक ए स्टेटमेंट दैट इज़ ए यूनिवर्सल और जनरल ट्रूथ. अब बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो पास्ट में भी सही होती हैं, फ्यूचर में भी सही होती हैं, और प्रेजेंट में भी सही होती हैं, जैसे साइंटिफिक फैक्ट्स हो गए, और जैसे कोई प्रकृति के नियम हो गए, या कोई कहावतें हो गई, तो वो सारी चीज़ें सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ होती हैं. जैसे द अर्थ रोटेट्स, यहाँ पे ऑन इट्स ओन एक्सिस, रोटेट से हमें पता लगता है सिंपल प्रेजेंट टेंस है. अब अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पर घूमती हैं, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये कभी चेंज होने वाला नहीं है, हमेशा से पृथ्वी घूमती आई है और घूमती रहेगी, तो इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लिखेंगे. द कोकोनट पाम ग्रोज वेरी टॉल, तो जो कोकोनट का जो पाम है वो बहुत
ऊंचा होता है, ऊंचा उगता है, तो इस बहुत ऊंचा बढ़ता है, इसमें भी हमने सिंपल प्रेजेंट का यूज़ किया है। ओके नेक्स्ट यूज देखते हैं इसके, इन इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव होते हैं आदेशात्मक, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब जिसमें हम कोई अपना इमोशन शो करते हैं, और गिविंग सम इंस्ट्रक्शन, और या जब किसी को हम आदेश देने वाले होते हैं। तो इसमें देखिए एग्जांपल में इम्पेरेटिव में क्या दिया हुआ है, सबसे पहला कम हेयर, कम हेयर इसका मतलब यहाँ आओ, ये एक आदेश है। जब भी आदेश देते हैं तो वर्ब से ही सेंटेंस शुरू हो जाता है सीधा, और वर्ब की फॉर्म होती है फर्स्ट, जैसे कम है ये फर्स्ट फॉर्म है। शट द डोर, इसमें वर्ब है शट, तो शुरुआती वर्ब से हो गई तो वो एक इम्पेरेटिव सेंटेंस बन जाता है, ऑर्डर बन जाता है, शट द डोर यानी दरवाज़ा बंद करो। नेक्स्ट है टेक सम वाटर एंड पोर इट इन टू द पैन, तो ये भी एक ऑर्डर है कि टेक सम वाटर, पानी लो थोड़ा सा, एंड पोर इट इन टू द पैन, और उसको पैन में पोर कर दो यानी उड़ेल दो। इसमें दो सेंटेंसेज हैं, टेक सम वाटर और पोर इट इन टू द पैन, और दोनों ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। नेक्स्ट सेंटेंस, दिस टेस्ट्स नाइस, यह है इसका टेस्ट अच्छा है, यानी यहाँ पे टेस्ट का मतलब स्वाद लेने से नहीं है, स्वाद देने से है। तो जब भी स्वाद देने का सेंस में यूज होता है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, कि कोई चीज़ कैसे टेस्ट कर रही है, जैसे द टी टेस्ट गुड, कि टी का टेस्ट अच्छा होता है, और जैसे हम कह देते हैं द कोई भी चीज़, द शुगर टेस्ट स्वीट, कि शुगर का टेस्ट जो होता है तो मीठा होता है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सिंपल प्रेजेंट में यूज़ होती हैं। ओके नेक्स्ट, व्हेन डिस्क्राइबिंग समथिंग वेयर देयर आर ए सीरीज ऑफ एक्शंस एज इन कमेंट्री, तो आपने बहुत बार कमेंट्री सुनी होगी क्रिकेट मैच की, हॉकी मैच की, तो उसमें जो एक्शन चलता होता है उस एक्शन को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं। जैसे ही किक्स द बॉल एंड इट इज़ ए गोल, तो देखो आप हिंदी में जब हम बोलते हैं तो पास्ट में बोलते हैं कि उसने किक मारी, गोल हो गया, लेकिन इंग्लिश का स्टाइल अलग है, उसमें अगर कोई भी चीज़ अभी अभी घटित हुई है तो सिंपल प्रेजेंट में बोलते हैं। जैसे ही किक्स द बॉल, तो बॉल को मारता है, एंड इट इज़ ए गोल, और ये गोल हो गया है, गोल होता है। तो इसमें दो सेंटेंसेज हैं, किक्स, ही किक्स, क्योंकि अकेला है, ही है, तो किक्स के किक के बाद ऐसा लगेगा, एंड इट इज़ ए गोल, और यह गोल हो गया है। एंड दूसरा है सचिन टेक्स ए रन, तो सचिन एक रन लेता है, इसका मतलब अभी भी उसने लिया है। तो हिंदी में हम फास्ट में बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। इसमें एक और यूज़ जो इसमें नहीं लिखा मैं बता देता हूँ, आपकी जो हेडलाइंस होती हैं, जो न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो उसकी जो हेडलाइन होती है वो भी सिंपल प्रेजेंट में होती है। जैसे प्राइम मिनिस्टर जयपुर, जैसे मान लीजिए अभी अभी गए हैं जयपुर, या कल जयपुर गए हैं, तो समाचार में जो हेडलाइन चुभेगा समाचार पत्र में, उसमें इसकी हेडिंग सिंपल प्रेजेंट में होगी, द PM विजिट्स जयपुर, इस तरह से होगा। हालांकि हिंदी में हम उसका मतलब यह निकालेंगे कि PM ने जयपुर का दौरा किया या भ्रमण किया, ये तो पास्ट हो गया, लेकिन नहीं, इंग्लिश में ऐसा यूज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, वी ऑफन यूज एडवर्ब्स लाइक यूजली, समटाइम्स, नेवर, ऑलवेज, ऑफन, एवरी डे, एटसेट्रा। तो ये जो पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो शब्द हैं समटाइम्स यानी कभी कभी, नेवर यानी कभी नहीं, ऑलवेज यानी हमेशा, ऑफन यानी अक्सर, एवरी डे यानी रोज़ाना, इस तरह की जो एडवर्ब्स हैं, इस तरह के शब्द हैं, वो ज़्यादातर सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल दिया है, आई ऑफन गो आउट टू डिनर विद फ्रेंड्स, कि मैं अक्सर मित्रों के साथ डिनर के लिए बाहर जाता हूँ। नेक्स्ट है वी समटाइम्स विजिट अवर कजिन्स इन मथुरा, कि हम कभी कभी मथुरा में अपने कजिन से मिलने जाते हैं। ओके तो ये आपको लर्न करने हैं। सो मैं होप करता हूँ, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस टेंस वेरी वेल, एंड इफ़ यू हैवंट अंडरस्टूड दिस आई विल एडवाइज यू टू रिपीट इट अगेन, लिसन अगेन एंड अगेन, वॉच अगेन अगेन दिस वीडियो अंटिल यू कॉम्प्रीहेंड एवरी मटीरियल रिलेटेड टू सिंपल प्रेजेंट टेंस। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू आंसर यू। ओके स्टूडेंट्स, सो अगला जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ नेक्स्ट पार्ट, उसमें हम एक्सरसाइज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की। तो मैं चाहूँगा कि उससे पहले आप इसके जो रूल्स हैं इस वीडियो के माध्यम से, या और कोई भी आपके पास मेट्रो तो उसकी तरह, उससे अच्छे से आप इन रूल्स को ग्रास्प कर लें, फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच।